सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ के व्लॉग्स। अभी लॉन्ग वीकेंड आ चुका है, सैटरडे संडे एंड मंडे, मंडे को होली है और अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिप प्लान किया है। मैं और मेरा जो बचपन का दोस्त है जिसको मैं भाई बोलता हूँ, मेरा भाई जय, उसके साथ हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया है वन नाइट का, जो कि यहाँ पर नज़दीक में ही फार्म रेजेंसी रिसोर्ट करके है गोराई के पास। तो अभी हम लोग जय का वेट कर रहे हैं, उसको थोड़ा आने में आज लेट हो गया। हमारा 10 बजे का चेक इन था और ऑलमोस्ट 9:45 ऑलरेडी यहीं हो चुका है, तो वेट कर रहे हैं अभी उसका। वो जैसे ही आता है तब हम निकलेंगे यहाँ से। आपको दिखाता हूँ फार्म रेजेंसी रिसोर्ट का स्टे कैसा है, उसका सारे और क्या क्या एमिनिटीज़ है वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आज इस वाले ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर पे से बाइक पे, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गोराई टेकरी, जो फेरी है बोरीवली में। तो यहाँ से हम बाइक में जाएंगे और फिर बाइक को वहाँ पर वही फेरी में चढ़ा के फिर वहीं से हम बाइक से फार्म रेजेंसी निकल जाएंगे। तो लेट्स गो। सो ये कर ली हमने हमारी बाइक स्टार्ट, और अब हम बाइक स्टार्ट करके निकल गए गोराई फेरी के लिए, जो कि हमारे घर से हार्डली 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही है, इसीलिए हमें वहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये है पूरा हमारा गोराई फेरी का एंट्रेंस वाला एरिया, उस गेट के अंदर घुसते ही गोराई फेरी के लिए आगे पहुँच सकते हैं अभी। तुम लोग को रास्ते खुदे हुए नहीं मिले, खाली था। तो हम लोगों ने फेरी तो पकड़ ली, मैंने तो फेरी पकड़ ली है अपनी। ये देखो, ये लोग भाग भाग के आ रहे हैं अभी। ये देखो, ये आ रहे हो भाग भाग के ताकि फेरी ना छूट जाए इनकी। अपन तो चढ़ गए फेरी में, अभी बच गए तुम लोग, वरना मैं तो निकल जाता आगे, मैं तो चले जाता ट्रिप पे अभी। ये है भाई हमारा जय, ये लाइमलाइट है पूरे इस ब्लॉग का, ये पूरे ब्लॉग में ये सबसे ज़्यादा स्पेशल आइटम है, फीचरिंग जय। ये ब्लॉग का नाम फीचरिंग जय होने वाला है, आपको पता चलेगा क्यों, आगे वेट कीजिए देखिए। तो आप ऐसे अपनी बाइक चढ़ाकर बोरीवली से गोराई के लिए फेरी पकड़ सकते हैं, जहां पर आपको बाइक का 5 रुपीज़ अंदर पे करना पड़ेगा फेरी के अंदर, और फिर बाद में आप जैसे ही वहां पर उतरोगे सामने की तरफ, तो वहां पर आपको आपका एग्ज़िट फीस जो है 20 रुपीज़ वहां पे करना पड़ेगा, और फिर वहां से आप अपनी बाइक लेकर पहुँच सकते हैं फार्म रेजेंसी की तरफ, जैसे हम अभी पहुँच रहे हैं। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप वहाँ पर उतरकर ऑटो भी कर सकते हो फार्म रेजेंसी के लिए, जो आपको 60 रुपीज़ पर पर्सन में आपको वो ऑटो फार्म रेजेंसी पहुँचा देगा। ये है अपना फार्म रेजेंसी रिसॉर्ट, यहाँ पर बाइक की तो ये आगे अपन फार्म रेजेंसी रिसोर्ट में हम लोगों ने चेक इन कर लिया। हम लोगों ने 2 कपल रूम लिए, 2 एग्जीक्यूटिव रूम्स जो है यहाँ पे, और यहाँ पे डिलक्स, सुपर डिलक्स, एग्जीक्यूटिव और काफ़ी अलग वुडन कॉटेजेस भी है। मैं वो सारे रूम के डिटेल्स वगैरह एंड प्राइसिंग वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। अभी हम लोग चेक इन करने जा रहे हैं अपने रूम में, लेट्स सी क्या है उधर। यहाँ पर वाटर स्लाइड, वाटर पार्क वगैरह भी सब कुछ है। यहाँ पे आई गेस वाटर पार्क वगैरह है। तो ये हमारा रूम है गाइस, यहाँ पर अभी ये वॉलड्रॉप दिया हुआ है जहाँ पर टॉवल एंड बाकी सारी टॉयलेटरीज दी हुई है, ग्लासेस, वाटर बॉटल्स, ये वॉशरूम है यहाँ पर, बहुत ही क्लीन एंड हाइजीन है। यहाँ पे टीवी है, ये हमारा बेड, यहाँ पे इन्होंने मेनू भी दिया हुआ है अगर आपको रूम में कुछ ऑर्डर करना हो तो। दो चेयर दी हुई है यहाँ पे, पुफी टाइप,
और ये यहाँ से व्यू है खिड़की से, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम। बराबर है रूम, मस्त है ना? अच्छा है रूम, सही। तो अभी हम लोग सोच नहीं पा रहे कि हम लोग क्या करें। अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया रूम में आके, अभी हम लोग सोच नहीं पा रहे कि हम लोग पहले पूल में जाएंगे या फिर पहले सो जाएंगे, क्योंकि ये भाई साहब की नींद पूरी नहीं हुई है। इन्होंने पूरी रात नाइट शिफ्ट किया है और डबल शिफ्ट किया हुआ है, तो कल सुबह 11 बजे से लेके अब तक जाग ही रहेंगे। तो अभी इसको आ रही है नींद, तो अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे कि इसको सुलाए अभी, क्योंकि ये सोएगा तो सीधा शाम को उठेगा, हम लोग पूल में नहीं जा पाएंगे। तो अभी क्या करने का है भाई बताओ, अभी पूल में जाने का है, फिर सोने का है, क्या करने का है? पहले हम पूल में जाएंगे, हाँ, फिर कुछ खाएंगे, हाँ, खाने के बाद मस्त 5-6 घंटे की नींद लेंगे। 5-6 घंटे की नींद मतलब 7-8 बज जाएंगे हम लोग, 8 बजे के अराउंड हम जाएंगे, उसके बाद मचाएंगे पार्टी। उल्टी उल्टी तो नहीं हो जाएगी? फिर मस्त सबको मजे आ जाएंगे। तेरे पनीर पकौड़े निकलेंगे पानी में, तैर रहे होंगे। अरे मैं क्यों, सब एंजॉय करें पनीर पकौड़े कैसे थे सबको पता चल जाएगा भाई। थोड़ी यार ये रिसॉर्ट की मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, फूड रिव्यू, रियल फूड रिव्यू। सो यहाँ पूल के पास ही आपको लॉकर मिल जाएंगे 50 रुपीज़ में, एंड 100 रुपीज़ डिपॉजिट चार्जेस लेंगे, ताकि आप अपना वैल्यूएबल सामान यहाँ पर लॉकर में रख सको एंड पूल में जा सको। तो अभी हम लोगों ने स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क में फुल मस्ती किया, आपने वीडियोस वगैरह देखा होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लंच करने के लिए। अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 2 घंटा वाटर पार्क में मस्ती वगैरह किया, अभी वहाँ पर भी लंच टाइम है, इसके लिए म्यूज़िक बंद है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, लंच करके हम लोग जाएंगे रूम में, फिर रूम में थोड़ा आराम करेंगे। तो यहाँ पर आला कार्ट बेसिस पे है, यहाँ पर बुफे सिस्टम भी है अगर आप लेना चाहो तो, मैं उसके भी डिटेल्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी वरना आप आला कार्ट पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं खाना वगैरह। तो अभी हम लोग यहीं पे लंच कर रहे हैं आला कार्ट पे ऑर्डर करके। तो गाइज़ अभी हम लोगों ने, जैसे कि आपने देखा रहेगा, हम लोगों ने पूल में मस्ती कर ली, हम लोगों ने लंच कर लिया वगैरह, सब कुछ हो गया। शाम को थोड़ा सा पावर नैप हम लोगों ने दोपहर को लेके, अब हम शाम को निकले हैं थोड़ा 4:30-5 बजे। मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊँगा पूरा फार्म रेजेंसी रिसोर्ट का, बिकॉज थोड़ा थक गए थे तो हम लोगों ने थोड़ा नैप ले लिया। अब मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ पूरा, कि क्या क्या है इस प्रॉपर्टी में और कितना बड़ा प्रॉपर्टी है ये, सो देखते रहिए। तो अभी गाइस अपने यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स की रूम्स है, एग्जीक्यूटिव, ड्यूलक्स, सुपर ड्यूलक्स, डॉमेट्री, वुडन कॉटेजेस, सो काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज की रूम है। बट ऑलमोस्ट आज क्योंकि सैटरडे है तो ज़्यादातर रूम सारी फुल है एंड अवेलेबल नहीं है। तो अभी ना इनके पास डॉर्मेट्री और वुडन कॉटेजेस है,
तो मैं आपको वो डॉर्मेटरी और वुडन क्वार्टर दिखा सकता हूँ। मेरा एग्जीक्यूटिव रूम तो आपने देखा ही होगा, अभी देखते हैं डॉर्मेटरी रूम कैसा दिखता है। पहले स्टैंडर्ड रूम है। सो ये यहाँ का स्टैंडर्ड रूम है, जो कि आप एकदम ही बेसिक कैटेगरी का आप रूम इसे कह सकते हैं, जो ज़्यादा ओवर प्राइज्ड भी नहीं है, बट इतना मुझे हाइजीनिक नहीं लगा ये रूम। सो ओके है, बेसिक रूम है ये। सो ये है यहाँ का डॉर्मेटरी कैटेगरी वाला रूम। इस रूम में ऑलमोस्ट 10-15 लोगों का ग्रुप रह सकता है। अगर आप बड़ी फैमिली आ रहे हो, कॉर्पोरेट ग्रुप आ रहा है, या बहुत सारे आपका बड़े ग्रुप का फ्रेंड्स है, तो आप यहाँ पर रह सकते हो, डॉर्मेटरी ले सकते हो आप। ऑलमोस्ट 5 डबल बेड दिए हुए हैं यहाँ पर, 8 चेयर दी हुई है यहाँ पर, टेबल्स दिए हुए हैं, 5 अलग अलग वार्डरोब्स दिए हुए हैं, और जितने लोग रह सकते हैं उतने लोगों के हिसाब से उन्होंने सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। और ये डॉर्मेटरी वाला रूम नया कैटेगरी का रूम बनाया हुआ है इन लोगों ने अभी रिसेंटली। 2 वॉशरूम्स दिए हुए हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ कोर्स 15 लोग रह रहे हैं तो 2 वॉशरूम ज़रूरी है। दिस इज़ द वुडन कॉटेज। तो ये यहाँ का वुडन कॉटेज है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला रूम कैटेगरी में आता है या कॉटेज में आता है। इसके भी प्राइस डिटेल्स सारे रूम के प्राइस डिटेल्स मैं एंड में डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में। बट ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे वुडन कॉटेज। थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली टू आर एग्जीक्यूटिव रूम, बट अच्छा है, कोजी है, वार्म्थ है इस रूम के अंदर, एंड बहुत ही नीट एंड हाइजीन तरीके से इसको भी बनाया हुआ है। एक आपको अलग वाइब आएगा इस रूम के अंदर रहते हुए भी। एंड इन्होंने रूम के बाहर भी थोड़ा सा लॉन एरिया जैसा दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन एरिया है, और बाहर थोड़ा बैठने के लिए वरांडा टाइप्स इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें झूले है और ग्रीनरी है, गार्डन एरिया। आप बैठ कर रात को चिल कर सकते हैं यहाँ पे, घूम सकते हैं आप रात को। काफ़ी हम लोगों ने पूरा ये रिसोर्ट एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, स्विमिंग पूल है, फिर यहाँ पर वाटर स्लाइड्स है, अलग अलग बर्ड्स है, टर्टल्स है, यहाँ पर सारे आम के पेड़ और कौन से पेड़ थे माधुरी? पपैया के पेड़ है, और काफ़ी अलग अलग नारियल के पेड़ है। तो काफ़ी अलग अलग पेड़ है यहाँ पर, पूरा नेचर से सराउंडेड ग्रीनरी वाला एरिया है ये।
बहुत सारे टाइप्स की रूम्स है यहाँ पर, मतलब अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहे हो, कोई भी आओ या कॉरपोरेट ग्रुप आ रहा है, सबके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की रूम्स मिल जाएगी। और रूम्स की सारी चीज़ें, सारा डिस्क्रिप्शन एंड या रूम्स का पूरा एक कम्प्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो या अभी हम लोगों ने रूम होटल तो एक्सप्लोर कर लिया है, अभी हम लोगों ने नाश्ता मंगाया हुआ है, मैडम ने चाय मंगाई हुई है अपने लिए और हमने मंगाया है हमारे लिए ब्रेड बटर। टू बी ऑनेस्ट लंच हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया बिकॉज लंच इतना खास नहीं था, अप टू द मार्क नहीं था, ओके था, पनीर टिक्का मसाला एंड रोटी ही हमने मंगाई थी, बट इतना खास लंच नहीं लगा हम लोग को, ओके लगा। नाउ वी डोंट नो कि डिनर कैसा होगा, क्या करना चाहिए डिनर में हम लोग को, तो लेट्स सी। रात का मैंने कुछ वीडियो डाला नहीं बिकॉज शाम के बाद हम लोग मतलब रूम में ही थे हम चारों लोग, और हम लोगों ने रूम में मतलब गेम्स वगैरह खेली और थोड़े गाने सुने, टाइम पास किया, बातें की, तो वही सब किया हम लोगों ने रात को, इसके लिए रात का कुछ ज़्यादा डाला नहीं है मैंने। अभी मॉर्निंग होते ही, अभी आज हम लोग का सुबह 9:30 बजे है, 9:30 बजे अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, और चेकआउट करके अभी हम लोग का यहाँ पे ब्रेकफास्ट पेंडिंग है, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो क्योंकि इन लोग का 9:00 बजे का चेकआउट का टाइमिंग था, लेकिन अपने को ऑलरेडी 9:30 हो चुका है अभी, तो अभी वो होने के बाद चेकआउट करके फाइनल पेमेंट सब करके अभी अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है यहाँ पर। अभी तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, क्या क्या था, इडली सांभर था, वड़ा था, भुर्जी पाव था, चाय कॉफ़ी था, यही सब था, पर इतना कुछ खास था नहीं, नाश्ता ओके था, एकदम बुरा भी नहीं कह सकते बट ओके, लाइक चल सकता है वैसे टाइप का था। अभी चेकआउट तो हो गया, अभी बस ऐसे ही थोड़ी देर प्रॉपर्टी में राउंड मार रहे हैं, बाकी तो हमारा ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अभी यहाँ से सेम हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे फेरी करके, और बाइक है हमारी तो वहाँ से हम वैसे निकल जाएंगे। सो यार साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तो ये यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स है सारे रूम के, एंड सारे रूम में कितने ऑक्यूपेंसी रह सकते हैं, क्या टाइमिंग पे रह सकते हैं। यहाँ पर 24 आवर्स के रूम भी अवेलेबल है, यहाँ पर 12 आवर्स के लिए भी रूम अवेलेबल है। सो आपको जैसे शेयरिंग चाहिए, जितने आवर्स के लिए चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए आप ले सकते हैं। वन डे पिकनिक के लिए भी रूम अवेलेबल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।